गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया रिवीजन में? स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर डिजिट्स नंबर्स, सेकंड हमने रिवीजन किया था स्किप काउंटिंग का। आज हम रिवाइज करेंगे रिपीटेड एडिशन एज मल्टीप्लीकेशन। तो हमारा टॉपिक है रिपीटेड रिपीटेड आर ई रिपीटेड एडिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, रिपीटेड एडिशन एज मल्टीप्लीकेशन, एज मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमें जो डिजिट्स होती है वो एडिशन फॉर्म में दी होती है। उस एडिशन फॉर्म में क्या होता है, हम उसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कैसे फॉर्म करते हैं वो करेंगे। तो इसमें मैं आपको दो फॉर्म्स बताऊंगी, एक जिसमें आपको क्या करना होगा, एक में आपको एडिशन फॉर्म में दे रखा होगा और एक में आपको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में दिया होगा, तो उसे आपको एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट एस मल्टीप्लीकेशन। अब इन्हें क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है। तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए, 3 + 3 + 3 + 3, ये हमारे क्या एडिशन फॉर्म में दे रखा है। किस में दे रखा है, एडिशन फॉर्म में। अब हमें इसे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है। तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, आप पहले से काउंट करिए, 1 2 3 4। तो कितने डिजिट्स है, 3 की 4 डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है 4। तो यहां क्या लिख देंगे, यहां 4, क्या लिखेंगे 4। उसके बाद यहाँ पर साइन लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन का, किसका मल्टीप्लीकेशन का, क्रॉस का साइन मींस मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब कौन सी डिजिट हमें दे रखी है, कौन सा डिजिट है, डिजिट हमें दे रखी है 3। तो 4 3 = 12, यही होता है आंसर। अब इसको प्लस करिए, 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 3 = 12। तो देख लीजिए सेम आंसर है। तो इसमें क्या होता है, हमें डिजिट जो हमें दी रखी है उन डिजिट्स को पहले काउंट करेंगे, उनके नंबर लिख देंगे कि वो कितनी बार रिपीटेड आ रही है, उसके बाद जो डिजिट हमें दे रखी होती है उसे हम इस फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 +
5, 6, 7, 8. कितने हो गए? 8. यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया. अब क्या करेंगे? जो डिजिट हमने दे रखी है वो यहाँ पर आया. समझ में? इस तरीके से क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं. एडिशन यानी रिपीटेड एडिशन करके हम मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं. एक क्वेश्चन और देखिए, थर्ड क्वेश्चन. 2 + 2 + 2 + 2. तो कितने टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है? काउंट करिए, 1, 2, 3 and 4. तो क्या आ जाएगा? 4. अब कौन सी डिजिट हमें दे रखी है? 2 की. तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख देंगे आप 2. तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गए मल्टीप्लिकेशन. क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन. एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4. 4 + 4 क्या है? 4 + 4. तो कितनी बार 4 आ रहा है? 2 बार. तो यहाँ आप लिखेंगे 2, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और
2 multiply 5. क्या दे रखा है? 2 multiply 5. अब हमें क्या दे रखा है? 2 और यहाँ क्या दे रखा है? 5. तो पहले किसके जितने लेंगे? 5 वाले को. तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5. क्या लिखा? 5. अब यहाँ साइन लगेगा, यहाँ पर एडिशन का साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगेगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन है. तो हमने डिजिट की 5. अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या दिए? यहाँ पे हमारी डिजिट दिए 2. तो 5 को कितनी बार लिखना है? 2 बार. कितनी बार? 2 बार. तो 2 5 10 और 5 + 5 = 10. इस तरीके से ना ये तो हमने एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में बनाए थे, लेकिन अब हम मल्टीप्लिकेशन से किसमें बना रहे? एडिशन फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन, 7 मल्टीप्लाई 3. 7 मल्टीप्लाई 3. तो देखिए क्या है यहाँ पर? 3. कितना है? 3. तो 3 को यहाँ लिख दिया हमने. तो यहाँ वैल्यू कितनी है? 7. कितनी वैल्यू हमारी? 7. तो हमें 3 को कितनी बार लिखना है? 7 बार. काउंट करके 7 बार लिखना है. साइन कौन सा लगेगा एडिशन का? 1 2 3 4 5 6 7. हो गया. तो हमने 3 को कितनी बार रिपीट करा? 7 टाइम्स. तो ये हमारा हो गया एडिशन फॉर्म में. नेक्स्ट देखिए, 4 मल्टीप्लाई 7. 4 मल्टीप्लाई 7. तो डिजिट हमारी कौन सी लिखेंगे? डिजिट हम लिखेंगे 7. कौन सी लिखी? 7 को. साइन लगाया एडिशन का, उसके बाद कितने टाइम्स 7 को रिपीट करेंगे? 1 2 3 4. कितने टाइम्स रिपीट करेंगे? 4 टाइम्स. तो 7 4 28 7 4 28. और 7 को प्लस करेंगे तो भी कितना आएगा? 28 आएगा आपका. एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. टेस्ट दूंगी. सो प्लीज प्रैक्टिस फॉर इट एंड बी प्रिपेयर्ड.